दोस्तों, सामने आप जो ये गुलाब का पौधा देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। पत्ते पीले हो गए हैं, बहुत सारी डाईबैक का भी इसमें प्रॉब्लम आ गया है और पत्तियां भी इसकी पीली हो रही हैं। ग्रोथ भी इसमें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और आने वाला जो मौसम है वो गुलाब के फ्लावरिंग का मौसम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगी कि आखिर आने वाले मौसम में हम गुलाब को कैसे रेडी करें ताकि ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे सके। देखिए, इसमें जो भी फ्लावर सूखे हुए थे, कुछ इसी में पड़े हुए हैं, सारी पत्तियां पीली पड़ गई हैं। तो अब इसे रिकवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाएगा और फिर सर्दियों में ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो अगर आपके पास भी रोज़ का प्लांट है तो अभी कुछ इम्पॉर्टेंट काम चलिए कर लेते हैं। देखिए, ये ग्राफ्टेड रोज़ है। मैं यहाँ आपको टोटल 3 तरीके का रोज़ दिखा रही हूँ, जिसमें पहला ये ग्राफ्टेड है, उसके बाद मैं एक देसी भी दिखाऊँगी और एक हाइब्रिड रोज़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो तीनों का मैं बहुत आसानी से आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, जिससे कि आपका पौधा बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ इसमें शुरू हो जाएंगे और ये सर्दियों में फ्लावरिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप स्किप करें और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाए। मैं यहाँ एक एक पॉइंट इससे रिलेटेड बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी ये टफ़ ना लगे। गार्डनिंग को बहुत इजी तरीके से करना है ताकि इसको करने में आनंद की अनुभूति हो। देखिए, ये है जो है देसी, जो रेड कलर का रोज़ होता है, ये वही है, देसी है। इसमें भी कुछ कुछ न्यू ग्रोथ दिख रहे हैं, लेकिन बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाला ग्रोथ नहीं है। देखिए, ये भी पौधा आप देख सकते हैं कि बहुत इसमें, इसकी मिट्टी की स्थिति भी देख लीजिए, कैसे पत्तियाँ सूख के गिरी हुई हैं। तो चलिए, अब कुछ शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना है। और ये आप देख सकते हैं, ये है एक ऑरेंज कलर का हाइब्रिड रोज़ ही है। और इस पौधे में भी देखिए, ब्राउन लीव्स हो गए हैं, फिर से डाईबैक का प्रॉब्लम है। बिल्कुल न्यू प्लांट है ये, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन देखिए कैसे पत्तियाँ ब्राउन ब्राउन हो गई हैं। बारिश भी थी और गर्मी के कारण भी ये पौधा बहुत ख़राब हो गया है। तो अब छोटे छोटे बातों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, छोटे छोटे बातों का ध्यान देना है ताकि ये पौधा जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इसकी प्रूनिंग का। तो सबसे पहले इस पौधे की प्रूनिंग करनी है, और इसके लिए आप जो भी इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आप कटर ले रहे हैं या फिर सीज़र ले रहे हैं, सबसे पहले उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा डिटॉल की हेल्प से, या फिर सैनिटाइज़र जो भी हो आप उससे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, ताकि फंगस वगैरह ना हो। और फिर आपको इस करनी है इस पौधे की हार्ड प्रूनिंग। जी हाँ, अभी अगर हार्ड प्रूनिंग कर दिया जाए तो बहुत जल्द इसमें ग्रोथ शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसके प्रूनिंग का समय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि अगर आपके एरिया में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तब आप इसकी प्रूनिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। या फिर अगर बहुत बारिश हो रही हो, उस कंडीशन में भी आपको प्रूनिंग थोड़ा सा इग्नोर करना है, थोड़ा और वेट कर लीजिए, फिर प्रूनिंग कीजिएगा। और उसके बाद जो भी येलो लीव्स हों या फिर ब्राउन लीव्स हों, उसको रिमूव करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें ना बहुत बार फंगस वगैरह लगा रहता है या फिर कोई डिजीज़ अगर हो तो वो निकल जाता है। देखिए, मैंने एक पौधे की प्रूनिंग कर दी, अब ये जो मैंने ग्राफ्टेड प्लांट आपको दिखाया था, अब मैं उसकी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपको इसमें कुछ पतली पतली डालियाँ दिखे, या फिर जहाँ डाईबैक हो गया है, उन सारे कटिंग ब्रांचेस को कट करके निकाल देना है। इसमें बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ आ जाएंगे, क्योंकि अगर इससे पहले आपने अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है लेकिन फिर भी उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लांट के टिप पर जाके रुका हुआ है। और उसके प्रूनिंग कर देने से
वो जो भी न्यूट्रिशन है ना धीरे 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 सारे प्लांट्स में मिलने लगेगा और फिर आपको बहुत जल्दी इसमें न्यू ग्रोथ दिखाई देने लगेंगे। अगर आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही समय है, आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन रिपोर्ट करने में छोटे से चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिएगा कि पौधे की रूट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आप आराम से पॉट को बाहर निकालिए और फिर मिट्टी को हटाए बिना उससे एक या दो साइज़ बड़ा पॉट उसे दे दीजिए। रूट्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि हम एक तो इसकी हार्ड प्रूनिंग की जा रही है और फिर रूट्स भी अगर डिस्टर्ब कर दिया जाए, रूट्स की भी अगर प्रूनिंग कर दी जाएगी तो फिर प्लांट का ज़्यादा समय अपने रूट्स और ब्रांचेस को डेवलप करने में ही लग जाएगा, फ्लावरिंग फिर बहुत देर से होगी। तो इसीलिए रूट्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है और आप इसकी हार्ड प्रूनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैंने लगभग सारे इसके जो ब्रांचेस थे वो काट करके निकाल दिए हैं। इसके बाद अगला इम्पॉर्टेंट काम करना है, इसकी गुड़ाई करनी है। अच्छे से मिट्टी की गुड़ाई कीजिए, जो भी ड्राई लीव्स हों या फिर कुछ भी इसमें वीड्स वगैरह हों वो निकाल देना है, उसे अलग कर देना है और फिर मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। इसमें अब समय है फर्टिलाइज़र देने का और अभी का जो मौसम है इसमें धूप तो बहुत तेज़ नहीं है लेकिन फिर भी कम से कम आप बहुत पूरे दिन के सनलाइट से थोड़ा बचाइएगा अभी भी, क्योंकि अभी भी धूप में गर्मी है। तो ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको सुबह के 3-4 घंटे की धूप मिल जाए, जो कि फ़िलहाल इसके लिए सफिशियंट है। और अब मैं यहाँ जब मिट्टी की गुड़ाई कर रही हूँ तो बस 1 से 2 इंच तक की ही मिट्टी की गुड़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा इसको इसके रूट्स को नहीं तोड़ना है। तो लगभग 1 से 2 इंच तक की मिट्टी की गुड़ाई करके पहले मिट्टी को निकाल लीजिए, क्योंकि अब इसमें फर्टिलाइज़र देना है और फिर मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि कौन कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें दिया जाए ताकि ये सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करें। और कुछ इस फर्टिलाइज़र के बाद भी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स का ध्यान देना होगा, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताते जाऊंगी। देखिए मेरी मिट्टी काफ़ी अच्छी है, बहुत भुरभुरी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ रहा है और मैं बस किनारे किनारे की ही मिट्टी को लूज़ कर रही हूँ, यानी कि पौधे के जो बिल्कुल पास की जो मिट्टी है ना उसे मैं नहीं हटा रही हूँ, क्योंकि वहाँ मेन रूट होता है तो बहुत ज़्यादा मुझे रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करना है ताकि हमारा पौधा बिल्कुल हेल्दी रहे और वो अपनी न्यू ग्रोथ पे ही ध्यान दे, उसका सारा ध्यान न्यू ब्रांचेस पे आए, फ्लावर्स पे आए। तो 1-2 इंच की मिट्टी हटाने के बाद उसमें अब बारी है फर्टिलाइज़र ऐड करने की। तो फिर से थोड़ी सी मिट्टी की गुड़ाई कर देनी है ताकि मिट्टी लूज़ रहेगी ना, तो इसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से अंदर तक जो भी है वो जाएगा। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र है ये काउडंग कंपोस्ट है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट हो, लिफमोट कंपोस्ट हो तो वो यूज़ कीजिए। ये बहुत ही इसमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच होता है ये, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छे तरीके से डीकम्पोज होना चाहिए और इसकी पहचान ये है कि ये देखिए आप बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी की तरह दिखाई दे रहा है और इसमें किसी तरीके का स्मेल भी नहीं है। तो जो भी फर्टिलाइज़र लेना है वो अच्छे से डीकम्पोज लेना है वरना प्लांट इससे जल भी सकता है। तो ये हो गया काउडंग कंपोस्ट। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने यहाँ लिया है। तो ये है दोस्तों नीम की खली। आपको तो पता है कि नीम का खल में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी फंगल गुण होता है, जिससे अगर मिट्टी में किसी तरीके का फंगस इन्फेक्शन हो या फिर किसी तरीके का बैक्टीरिया हो तो ये नीम की खली से ख़त्म हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें भी कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अगला ये जो आप देख रहे हैं ये है DAP। जी हाँ, ये एक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है लेकिन ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें लगभग 18% नाइट्रोजन होता है और 46% फॉस्फोरस होता है, जो कि प्लांट्स के न्यू ग्रोथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये रूट्स को डेवलप करता है, रूट्स को मजबूत करता है ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से अपना न्यूट्रिशन ले सके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
और अगला जो आप देख रहे हैं ये है सरसों की खली। तो सरसों की खली रोज़ के प्लांट के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। आप इसे टुकड़ों में देख रहे हैं लेकिन मैं इसका आगे पाउडर बना लूँगी। तो इसे भी आप अपने रोज़ के प्लांट में यूज़ करते हैं तो इससे आपके प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग आएगी। तो अगर आपके पास सरसों की खली हो तो वो यूज़ कीजिए, और ना हो तो आप मूंगफली की खली भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे अवेलेबल हो वो यूज़ कीजिए। अगला है ये बोन मिल। हड्डियों का जो पाउडर होता है ना, उसी से बोन मिल बनता है, और ये बहुत स्लो रिलीज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट्स को लंबे समय तक न्यूट्रिशन प्रदान करता है। इसमें सबसे अच्छी मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फोरस पाया जाता है। और अगला है ये हमारे किचन का वेस्ट मटेरियल, चाय की पत्ती। दोस्तों गुलाब को ना थोड़ा सा एसिडिक सॉइल पसंद होता है, तो उसके लिए यहाँ मैं चाय की पत्ती का यूज़ कर रही हूँ। ये यूज़ की हुई चाय पत्ती है जिसे मैंने अच्छे से धो करके सुखा लिया है, तो ये लगभग 2 चम्मच के आसपास है। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज़ कर रहे हैं तो वो बस आपको 1 चम्मच ही लेना है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये देखिए, ये मैंने जो मेरी सरसों की खली थी उसे मैंने अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छा सा बारीक सा पाउडर बन गया है। तो अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलिए, सबसे पहला काम करना है कि ये जो भी फर्टिलाइज़र है उसे आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें बोन मिल है। तो मैं इसे कोशिश करूँगी हाथों से ना मिक्स करूँ, और आप भी इसे हाथों से मिक्स ना कीजिएगा। अच्छा रहेगा कि आप ग्लव्स यूज़ करें या फिर आप किसी स्पून की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है साफ़ फंगिसाइड। मैं फंगस को हटाने के लिए आपके पास जो फंगिसाइड हो आप यूज़ कीजिए, मैं जनरली साफ़ ही यूज़ करती हूँ। तो ये डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के बाद हो सकता है कि मिट्टी में कोई ना कोई फंगस रह गया हो। तो ये डाल देने से आपकी मिट्टी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी, और फिर आपको लंबे समय तक इसमें फंगस के प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। तो सारे जो भी आपके ये फर्टिलाइज़र है, देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है ताकि मैं इसे प्लांट में दे दूँगी। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसे अच्छे तरीके से लगभग 2 मुट्ठी के आसपास मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र दे दूँगी, और मैंने ऊपर से 2 इंच की मिट्टी निकाल दी है, फिर मैं उसमें डाल रही हूँ, और फिर ऊपर से मैं मिट्टी से कवर कर दूँगी। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र डाल देना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसके लगभग 10 दिन के बाद आपको इसमें फिर लगभग 10 से 15 दिन का आप गैप दीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो इसमें जो बनाना पील फर्टिलाइज़र होता है वो दे सकते हैं, या फिर आप इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो ये छोटा छोटा सा टिप्स है जो ध्यान रखना है, और फिर आप देखिएगा कि सर्दियों में आपके रोज़ के प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। आप मतलब पूरा गार्डन आपका रोज़ के फूलों से भरा रहेगा। देखिए, फर्टिलाइज़र डालने के बाद इसको अच्छे से मिट्टी से कवर कर दीजिए, जो भी मिट्टी ऊपर से निकाली हुई थी उस मिट्टी से कवर कर देना है। आप जब भी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए या फर्टिलाइज़र दीजिए तो एक बात का ध्यान रखना है कि मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली ना हो या फिर बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो, लगभग थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी में, फिर ये प्रोसेस करना है। बहुत धूप में नहीं करना है, और बरसात के समय में भी इसे नहीं करना है। जब मौसम अच्छा हो जाए फिर कीजिएगा। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद इसे अच्छे से पानी डाल दिया है मैंने, और एक और इम्पॉर्टेंट काम है, मैं फंगिसाइड का यहाँ स्प्रे भी कर रही हूँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि पत्तियों में भी फंगस रह जाता है। जो भी ड्राई लीव्स थी, जो भी मतलब लीव्स थी, वो तो हमने रिमूव कर दी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ फंगस रह जाता है। तो अच्छे से इसमें फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, कम से कम हफ्ते में 1 हफ्ते का गैप दे करके दोबारा कीजिए। और जो भी कटा हुआ पार्ट था उस पर भी मैंने फंगिसाइड अप्लाई कर दिया है, ताकि डाईबैक का प्रॉब्लम इसमें ना हो। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना हो सकता है फंगस वहाँ से लगे और फिर डाईबैक होने लगता है। तो दोस्तों, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ कंप्लीट रोज़ केयर के बारे में बताया है। अगर आप अभी अक्टूबर के महीने में अपने प्लांट के साथ ये ट्रीटमेंट कर लेते हैं
तो पूरी सर्दियां आपके गुलाब के पौधे में किसी तरीके का फंगस नहीं लगेगा, किसी तरीके का कोई डिजीज़ नहीं आएगा। बस आपको करना ये होगा कि हर 15 दिन के गैप पे आपको फंगिसाइड का स्प्रे कर देना होगा। और ये जो कटिंग है इसे भी मैं लगा दूँगी, इसे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।